हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डाइटिशियन हरप्रीत। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूं जो कि है हमारे लीवर के बारे में। जो लीवर होता है हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा अंदर डिटॉक्सिफिकेशन, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। उसका वर्क होता है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। बट हमारा लीवर भी डिटॉक्सिफाई होना चाहिए। अगर वो खुद ही डिटॉक्सिफाई नहीं है, वो फैटी हो चुका है, तो वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करेगा? तो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, लीवर का खुद सही चलने के लिए, हमारे लीवर का डिटॉक्सिफाई होना बहुत ज़रूरी है। लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारे कुछ सुपर फूड्स होते हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। और लीवर क्या काम करता है? लीवर का वर्क होता है हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना। हमारे जो, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, तो उनको, उनका जो ब्रेक डाउन होता है वो लीवर करता है। प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, वो भी वर्क लीवर का होता है। कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में, एंड विटामिन डी जो कि मोस्टली कम होता है। क्यों? क्योंकि हमारा लीवर डिटॉक्सिफाई नहीं होता है जंक फूड के कारण, बाहर का खाने के कारण, स्ट्रीट फूड के कारण, रिफाइंड्स खाने के कारण हमारा जो लीवर है वो फैटी होने लग जाता है। दो तरह से लीवर हमारा फैटी होता है। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, एंड द सेकेंड वाला होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो आज हम बात कर रहे हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर को कैसे ठीक किया जाए, कैसे डिटॉक्सिफाई किया जाए। जो अल्कोहल वाला होता है, वो तो अगर आप अल्कोहल पीनी बंद करेंगे तो आपका जो लीवर है वो ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं आज हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए पांच जो सुपर फूड होते हैं उनके बारे में। सो नंबर वन पे आता है हमारा गार्लिक, लहसुन, जिसको हम अपनी सब्जियों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप अपनी वेजिटेबल में उसका तड़का ज़्यादा उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हमें गार्लिक का रॉ कंज्यूम करना पड़ेगा। रॉ सुबह उठते ही हम क्या कर सकते हैं, एक या दो लहसुन की कली को आप कच्चा मुंह में चबाइए और उसके ऊपर से ल्यूकवॉर्म वाटर को आप पी लीजिए। चबाना इसलिए है क्योंकि जो गार्लिक का, जो लहसुन का जो जूस उसमें से निकलता है, वो आपके स्लाइवा के साथ मिक्स होना जरूरी होता है। अगर आप उसको डायरेक्ट ही अंदर कर लेंगे तो आपको गार्लिक का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपने गार्लिक को च्यू करके रॉ खाना है। अगर कुछ लोगों के रिलीजन में ऐसा होता है कि वो लोग गार्लिक या फिर ये ऑनियन वगैरह नहीं खाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो टर्मरिक को, टर्मरिक वाटर सुबह बनाकर पी सकते हैं। बट मेक श्योर, जब भी आप टर्मरिक वाटर बनाएं, टर्मरिक का यूज़ करें ऐसे मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स वाले वाटर के लिए, तो आपने क्या करना है, टर्मरिक के साथ ब्लैक पेपर का ज़रूर यूज़ करना है। क्योंकि जो टर्मरिक का जो हमें बेनिफिट मिलता है, वो हमें ब्लैक पेपर के पेपरिन से ही मिलता है। टर्मरिक में होता है करक्यूमिन, एंड ब्लैक पेपर में होता है पेपरिन। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, तभी ये हमारी बॉडी को अपना बेनिफिट देते हैं, फायदा देते हैं। तो आपने टर्मरिक और ब्लैक पेपर दोनों को यूज़ करना है। आप चाहें तो इसमें जिंजर भी डाल सकते हैं, क्रश करके जिंजर डालिए, उसको यूज़ कीजिए। आप ये भी, आप इसका जो यूज़ है वो सैचुरेटेड फैट के साथ, जैसे कोकोनट ऑयल के साथ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, बट आपने कोशिश ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका लीवर पहले से फैटी है और आपने पूरे दिन में आप कितना ऑयल कंज्यूम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सुबह से हम रात तक काफ़ी ज़्यादा ऑयल कंज्यूम कर रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो लोग गार्लिक खा सकते हैं, वो लोग गार्लिक का यूज़ करें, और जो लोग नहीं खा सकते, वो लोग हल्दी, काली मिर्च और जिंजर वाला पानी बनाकर सुबह अच्छे से बॉयल करके वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये था हमारा नंबर वन सुपर फूड। और नंबर टू हमारा सुपर फूड होता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एक सैचुरेटेड फैट है। हमने हेल्दी फैट तो कंज्यूम करना है, बट एक मॉडरेशन वाली अमाउंट में। जो अनहेल्दी फैट होता है, हमने उसको बंद करना है, बिकॉज फैटी लीवर है इसलिए। तो अनहेल्दी फैट को आपने बंद करना है। जो कोकोनट ऑयल है वो एक हेल्दी फैट होता है। उसमें MCT होता है हमारा, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि हमारे लिए हेल्दी फैट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल को ऑयल पुलिंग भी कर सकते हैं। सुबह सुबह उठ के 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल को आप अपने मुंह में रखिए और उसको अच्छे से स्विश कीजिए 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद आप उसको स्पिट कर सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग कोकोनट ऑयल का, जैसे साउथ में सांभर वगैरह में तड़का लगाया जाता है, हर चीज़ में कोकोनट ऑयल का यूज़ किया जाता है, आप लोग भी अपने तड़के में कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कोकोनट वाटर को अपने डेली
डेली लाइफ डेली में मतलब इंटेक कर सकते हैं। कोकोनट वाटर का आप डेली इंटेक लीजिए। और कोकोनट वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी को हाइड्रेट करने में हेल्प रखता है। जब हमारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तभी हमारा लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई होगा। ऐसा नहीं है कि बॉडी में हमारे पानी कम है और फिर भी हम लोगों ने तो ये भी खाया है वो भी खाया है फिर भी हमारा लीवर फैटी जो है वो ठीक नहीं हो रहा। तो बॉडी का हाइड्रेशन मोड पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा नंबर 2 सुपर फूड। और नंबर 3 पे हमारा आता है वॉलनट। वॉलनट भी एक बहुत अच्छा सुपर फूड होता है लीवर को डिटॉक्स करने के लिए। आप वॉलनट को, वैसे तो हम अपने नट्स एंड सीड्स सुबह आपको बोलते हैं कि मॉर्निंग में आप सोक करके खाइए, जिसमें आप अपना 1 या 2 वॉलनट जरूर ऐड कीजिए, ठीक है। उसमें हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नंबर 4 पे हमारी आती है जो गोभी वाली फैमिली होती है, जैसे कि गोभी है, कैबेज है, ब्रोकली है, ये सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं ये हमारे लीवर को डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करती हैं। अगर आपको थायराइड का इशू है तो उसमें जो ये गोभी फैमिली है इसको अवॉइड किया जाता है, बट आप क्या कर सकते हैं, स्टीम फॉर्म में इसको मॉडरेशन अमाउंट में ले सकते हैं। 1 दिन छोड़ के ले लीजिए, 2 दिन छोड़ के ले लीजिए, स्टीम फॉर्म में आप खा सकते हैं अगर आपको थायराइड का इशू है तो भी, ठीक है। उसके अलावा हमारे फ्रूट्स आते हैं। फ्रूट्स में हमारा मेनली होता है अनार, जो कि हमारे लीवर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और सेकंड नंबर पे हमारा होता है कच्चा पपीता, रॉ पपाया, जिसको आप सैलड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। रॉ पपाया की चटनी बनती है, वेजिटेबल बनती है, सैलड बनता है। आप किसी भी फॉर्म में रॉ पपाया को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो रॉ पपाया एंड अनार हमारे 2 मेन फ्रूट्स होते हैं। इनमें हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल्स ग्रोथ के लिए, हर चीज़ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। हमारे सेल को रीजेनरेट करते हैं ये सारी चीज़ें। नंबर 5 पे हमारा आता है लेमन। लेमन एल्कलाइन होता है, बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो लेमन है वो एसिडिक इन नेचर होता है। लेमन जो होता है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है। आप लेमन का यूज़ कर सकते हैं, सुबह सुबह उठ के लेमन वाटर पी सकते हैं, दिन में भी आप लेमन वाटर पी सकते हैं। तो ये हमारे हो गए हैं 5 सुपर फूड जो कि हमारे लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में आपको हेल्प करेंगे। अगर है तो आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। अवॉइड क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जंक फूड अवॉइड करना है, जो कि हमारा स्ट्रीट फूड होता है। ऐसे हमें जो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना, रिफाइंड चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे कि चीनी है और बेकरी की आइटम्स होती हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड है, मैदा है, ये सब चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। और उसके अलावा आपने अपनी जो विंडो ऑफ ईटिंग है कि आप कितने बजे खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम 11-11 बजे तक रात को खाना खा रहे हैं। हमारी बॉडी को रेस्ट करने के लिए एक 6 से 7 घंटे उसे मिलने चाहिए, क्योंकि हमारा, अगर आप जल्दी खाना खाएंगे तभी हमारा खाना अंदर डाइजेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा 2 से 3 घंटे में, और आपकी बॉडी रिपेयर मोड पे जाएगी। अगर आप खाना ही लेट खाएंगे तो पूरी रात आपकी बॉडी जो है, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो बेचारे वर्क करते रहेंगे डाइजेशन का, उनको खुद को रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जब उनको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा तो आपकी इम्यूनिटी स्लो होगी, जिससे आपको, आपकी जो बॉडी है अंदर से वो ठीक होने में आपको कोई भी चीज़ हेल्प नहीं करेगी, फिर चाहे आप किसी भी चीज़ों का यूज़ कीजिए, ठीक है। तो आपका ईटिंग ऑफ जो विंडो का जो टाइम होता है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए, किस टाइम आप खा रहे हैं, और हमें कुछ भी आलतू फालतू चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर आपको बीच में कभी भूख भी लगती है तो हमें हेल्दी चीज़ खानी चाहिए, ना कि हमें अनहेल्दी चीज़ों को खाना चाहिए। तो उसके अलावा आपको जो फ्राइड चीज़ें होती हैं वो अवॉइड करनी है, और जो सैचुरेटेड फैट है जैसे कि घी है हमारा, कोकोनट ऑयल हो, ये अच्छे फैट होते हैं, बट ये भी हमें एक मॉडरेशन में लेने हैं। ऐसा नहीं कि हम स्पून भर भर के हम लोग घी खा रहे हैं कि ये तो हेल्दी फैट है। हेल्दी फैट भी, कोई भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो आपको वो नुकसान ही देगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, ठीक है। तो ये हमारे सुपर फूड थे, आप अपने डाइट में ज़रूर ऐड कीजिएगा अगर आपको फैटी लिवर का इशू है। अगर नहीं भी है तो भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी चीज़ें हैं, आपकी, आपको लीवर को अच्छा रखने में हेल्प करेंगे, आपके लीवर को डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।